शिव एक ऐसा पात्र है जो हर युग में, हर शास्त्र में उनकी उपस्थिति की जानकारी दी जाती है। जीवन का ऐसा एक, उनकी सोच जीवन का ऐसा एक भाग है जिसका इनकार कोई नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान होने पर भी भोले भाव से क्षमा दे सकते हैं। जो समाज का उबलता हुआ जहर होता है वो अंदर भी ना उतारे और बाहर भी ना रखे, अपने गले में रखने की क्षमता उनकी है। ये सब हमको समझने की ज़रूरत है। समाज के उत्थान के लिए, एक समाज के अग्रिम लोगों की लेके एक राजकीय आगे नेता होने के नाते पर हमारी ये फर्ज बनती है कि हर एक समाज को हम गठित करें, एक दूसरे आमने सामने हो जाते हैं उसको रोके, हर एक धर्म आमने सामने आ जाते हैं वो भी रोके, और उनके इसके लिए राजकोट में एक एकता समिति का गठन भी किया जाएगा जिसमें हर धर्म के, हर ज्ञाति के लोग होंगे। शिव के माध्यम से हम पक्षी से ऊपर रह के, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, कोई भी एसोसिएशन का हो, ऊपर उठ के एक समाज व्यवस्था के लिए हम साथ मिल के शिवजी की अगर आराधना करेंगे तो मेरे ख्याल से एक नई सोच का संचार होगा। और यही वजह से हर समाज को साथ लेके, उनके द्वारा ही आयोजन किया गया है, हर समाज के द्वारा, हमने तो सिर्फ संकलित किया है। तो ये प्रोग्राम हमारा शिवधाम के रूप में रेसकोर्स में एक बड़ा पैमाने पे शिव उत्सव होने जा रहा है, जहाँ सुबह 7:30 बजे एक महाआरती होगी, बाद में यज्ञ भी होंगे, और उसके बाद में शाम को महामृत्युंजय मंत्र का जाप होंगे 5 से 7 को लेके, शाम की आरती महाआरती होगी, फल आहार शाम को सब समाज के लोग साथ में मिलके करेंगे, और बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहाँ उत्सव में होगा। और यही हमारा कार्यक्रम एक सोमवार से लेके, पहले श्रावण के पहले सोमवार से लेके दूसरे सोमवार तक हमारी ये कार्यक्रम रहे। गुजरात के सीएम भी, हम जब बात कर रहे हैं कि हमको सब समाज को, सब धर्म को एक करके चलना है, तो जाके हम सीएम को भी आमंत्रित करेंगे। चाहे हमारी विचारधारा अलग हो, चाहे हमारी सोच अलग हो, लेकिन हम राजकोट के रहने वाले हैं, हमारी सबकी एक जिम्मेवारी है कि हम साथ में मिलके लोगों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड का मैसेज दे, और ये वजह से हम सीएम को आमंत्रित करेंगे और आएंगे तो हम उनको तहे दिल से उनका आवकार भी